न्यूज का चुनाव रथ पहुंचा है अजमेर और मेरे ठीक पीछे है ये मशहूर आनासागर। ये वाटर बॉडी माइग्रेटरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है और सर्दियों में यहाँ पर विदेशी पक्षियों का जमावड़ा रहता है। तो क्या अजमेर में पानी बहुत है? आइए पानी से ही शुरुआत करते हैं अजमेर के चुनावी मुद्दों की। चुनाव रथ में मेरे साथ हैं जयपुर के कुछ युवा, अलग अलग सेक्शन से आते हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं और कुछ यंग महिलाएं हैं। आइए हम उसे जानते हैं कि क्या है अजमेर के मुद्दे। अजमेर की जब हम बात करते हैं, मैं आना सागर के पास ही खड़ा हूं, तो बात आती है कि अजमेर में पीने के पानी की कमी है और ये अभी से नहीं, साल दर साल हमेशा यही मुद्दा चुनाव में रहता है। आना सागर के किनारे अजमेर और फिर भी अजमेर प्यासा। कितने दिन में पानी आता है आपके यहाँ? सर, हर 5 दिन में पानी आता है और कई बार जो होता है त्योहारों के दिन भी पानी का लॉकडाउन लग जाता है, तो पानी की प्रॉब्लम है अजमेर में। पानी की प्रॉब्लम है, दिवाली का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में पानी 5 दिन में क्या परेशानी क्या है? इतने सालों से पानी का इशू क्यों बना हुआ है? राजस्थान में है ही पानी की कमी है और उसमें भी अजमेर में पानी की शॉर्टेज है, तो ये गंभीर समस्या है जिसमें थोड़ा सोचना चाहिए। अब तक इतनी सरकारें आई गई, किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। आना सागर लबालब भर गया था मॉनसून में, इसको खाली कराना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके पीने का पानी 5 दिन में आता है। कौन सी लोकेलिटी में रहते हैं अजमेर के? वैशाली नगर में। वैशाली नगर, ये वो इलाका है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। मेरे साथ एक और युवा है, आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं अपने डिग्गी बाजार की तरफ से। डिग्गी बाजार यानी कि पुराना अजमेर। और क्या करते हो आप? जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ एमए प्रीवियस में। अच्छा, आप स्टूडेंट है। हम पानी की बात करेंगे, आपके स्टूडेंट और रोजगार की बात बाद में करेंगे। इन्होंने कहा कि मेरे घर में 5 दिन में पानी आता है, तो ये समस्या आपके तरफ भी है और कितनी परेशानी होती है इससे? सर, हमारी तरफ जो समस्या है वो ऐसा है कि 2 दिन में पानी आता है, लेकिन कभी 2 दिन से डिले होके 2 से 3 दिन या 4 दिन भी पहुंच जाता है पानी, तो उसमें काफ़ी समस्या होती है वहाँ पर, क्योंकि वो जगह जो इलाका कमर्शियल इलाका है तो पानी की जो समस्या है अगर बढ़ती है तो फिर ज़्यादातर ऊपर वाली, मतलब आपको फिर उसके लिए टैंकर्स बुलवाने पड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर कमर्शियल एरिया है, वहाँ पर लोगों को आवाजावा ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा वहाँ पर पानी की खपत भी होती है। पानी की खपत भी होती है और टैंकर की वजह से ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होता है। मैं एक और यंगस्टर के पास जाऊंगा। हम पहले यहाँ के पानी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं और पानी का इशू आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब दिवाली भी है, शादियों का मौसम भी है, ऐसे में पानी की समस्या और कितनी गंभीर हो जाती है? देखिए, पानी की समस्या बहुत गंभीर है हमारे शहर में। हम रहते हैं अजमेर शहर में और मैं बिलोंग करता हूँ अजमेर शहर के बिल्कुल मिड पार्ट में, जिसका नाम क्रिश्चनगंज है, और उस इलाके में हर 2 दिन छोड़ पानी आता है, लेकिन वो समस्या कभी कभार बढ़ भी जाती है, जिसके कारण हमारे पड़ोसियों को और हम लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। तो मेरी ये सरकार से इच्छा होगी कि वो इस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करने वाले हो सकें, और ताकि जितने भी परिवार हैं जिनके घर पे पानी की समस्या है वो सॉल्व हो सके। अच्छा, ये बताइए कि टैंकर मंगाना पड़ता है, तो टैंकर कितने तक का आता है? देखिए, टैंकर जहाँ तक मैं जानता हूँ वो कम से कम 1500 रुपये का एक टैंकर आता है, जो हर कोई मेरी लोकेलिटी में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ को सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे और इस चीज़ को जल्द से जल्द पब्लिक के अनुसार और उनकी सुविधा अनुसार सॉल्व करने वाली हो सके। इन्होंने कहा कि 1500 रुपये का टैंकर मंगाना पड़ता है और ये एक बहुत परेशानी का सबब है। हम यहाँ की महिला पत्रकार से जानना चाहेंगे और मेरे साथ एक महिला पत्रकार जिनका नाम है शिखा शर्मा। शिखा, ये बताइए कि आप अजमेर की बाशिंदी हैं, पानी की समस्या इतने साल से चली आ रही है, तो इसको अब तक क्यों किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया? सरकारें आती हैं चली जाती हैं और यही उनका मुद्दा होता है जीतने के लिए कि हम लोग पानी लाएंगे। पिछले 10 सालों में हम ये कहते हैं कि हुआ है, यहाँ पर विकास हुआ है, कई जगह पानी की टंकियाँ बनाई गई, और लेकिन दिक्कत आज भी वैसे के वैसे ही है। बीसलपुर का जो पानी है उसे जयपुर राजधानी में भेजा जाता है, ये आम जनता की सभी की प्रॉब्लम है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहती हूँ, वहाँ 48 घंटे में भी पानी नहीं आता, 72 घंटों में पानी आता है, और वो भी वहाँ पर कुछ ग्रामीण योजनाओं की वजह से, वो घर घर नल योजना भी नहीं है वहाँ पे। तो जो सरकार है वो आती है, लेकिन मुद्दा जीतने का यही होता है, परंतु वो वैसा विकास नहीं कर पाती है और पानी घर घर में नहीं आ पा रहा है, यही प्रॉब्लम है आज भी। इन्होंने कहा घर घर में पानी नहीं आ पा रहा है। हम अब बात कर ही रहे थे तो हमने देखा कि एक रैली जा रही है यहाँ पर, और रैली में एक उम्मीदवार भी आ गए हैं, माला पहन के जा रहे हैं। क्या नाम है आपका?
ज्ञानचंद सारस्वत और ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये बताइए, यहाँ के जो पब्लिक है उन्होंने एक मुद्दा उठाया है पानी का, कि पीने का पानी नहीं है, और ये सालों से चला आ रहा है, क्योंकि मैं भी राजस्थान से ही हूँ और मैं अजमेर की जब भी बात करता हूँ तो पीने का पानी नहीं होता। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या वादा करेंगे, क्या रोज अजमेर वासियों को पानी पिलाएंगे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? मैं रोज का वादा तो नहीं करता, लेकिन 24 और 48 घंटे में पानी का जैसे पहले अजमेर को मिलता था, अभी 72 छिड़में और 108 घंटे में मिलता है, उस समस्या को से मुक्त कराकर और प्रारंभ में 48 घंटे पानी देने का मैं वादा मैं करके चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ पानी के साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं। मैं पानी के मुद्दे पे आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि 24 घंटे का वादा मैं नहीं कर सकता, क्या बड़ी इसमें चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है साहब कि बरसों से, आज अगर वादा भी करता हूँ तो वादे को जमीन पर लाने के अंदर से 2 से 3 साल टंकी स्टोरेज बजट स्वीकृति और सोचने समझने में लग जाता है, लेकिन जल्दी से जल्दी पानी की कमी नहीं है साहब। अजमेर में विसल में बहुत पानी है, लेकिन जो पानी का वितरण व्यवस्था है अजमेर की वो बहुत चरमरा रखी है। हमारे लोकल स्रोत वीएफआई सागर है, हमारे लोकल ट्यूबवेल हो सकते हैं, और भी कई स्रोत हैं, उन स्रोतों को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है उनका हनन करके, और पाइपलाइनों का स्टील की पाइपलाइनों का जंगल तो बिछा दिया गया जमीन के अंदर, लेकिन जो स्टोरेज और पानी वितरण की जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने प्रॉपर नहीं रखी है, उसको प्रॉपर व्यवस्था करनी है, स्टोरेज प्लस आपका इनका जल वितरण मैनेजमेंट ये करके, और 48 घंटे में तो प्रारंभिक स्तर पर मैं प्रयास करूंगा कि अपने विधानसभा की जनता को पानी पिला दूं। चलिए अब हम इनको जाने देते हैं, इनको चुनाव अभियान में निकलना है, हम अब अपने चुनाव रथ पर लौटते हैं और बात करते हैं लोगों से। हमने बात की कि पीने का पानी का मुद्दा बहुत गंभीर बना हुआ है और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, ये आश्वासन जरूर देती हैं, लेकिन पीने के पानी की समस्या अजमेर में बनी हुई है। अब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की। महिला सुरक्षा का मुद्दा यूं तो पूरे राजस्थान में बना हुआ है, लेकिन अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर में 1992 में एक बशूर कांड हुआ जिसका नाम था अजमेर फोटो ब्लैकमेल कांड, और अभी हाल में उस पर एक फिल्म भी रिलीज हुई है। हम महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि ये कितना गंभीर मुद्दा है इस पूरे अजमेर के लिए। महिला सुरक्षा एक बड़ा गंभीर मुद्दा है पूरे राजस्थान में तो, लेकिन अजमेर में फोटो ब्लैकमेल कांड हुआ था, क्या आज इतने सालों बाद महिला सुरक्षित है, रात में आराम से आ जा सकती है? महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक महिला सुरक्षित नहीं होंगी, जब तक महिलाओं के साथ ही अपराध होते रहेंगे, उनको रोडों पे छेड़ा जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार करा जाएगा, यहाँ तक कि वॉयलेंस भी होती है, तो ये जो चीज़ें हैं ये रुकनी चाहिए और इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। जब तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, वुमेन सुरक्षित नहीं होगी, जब तक किसी भी जगह का उद्धार या कल्याण नहीं हो सकता। इन्होंने कहा महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। हम कुछ और यंगस्टर से बात करेंगे। आप क्या करते हो? जी मैं स्टूडेंट हूँ। मैं कहाँ पढ़ रहे हो? मुंबई में। अच्छा, ये मुंबई अजमेर के रहने वाली है, मुंबई में पढ़ती है। मुंबई और अजमेर में अगर हम विमेन सिक्योरिटी के मुद्दे पर बात करें तो किस तरह का फर्क आपको देखने को मिलता है? देखिए मुंबई में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है वुमेन्स को लेके, क्योंकि वहाँ पे सबको फ्रीडम है, और फ्रीडम इसलिए क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा का हर चीज़ का नेतृत्व बहुत अच्छा है। बट मुझे लगता है कि अजमेर में भी इस चीज़ का अच्छे से पालन होना चाहिए और वुमेन्स की सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, क्या आप इनकी बात से एग्री करती हैं? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। जैसे कि आपने पहले कहा कि अजमेर फोटो कांड जो हुआ था उसके बारे में हमें पहले कुछ भी नहीं पता था, तो और हमें अभी रिसेंटली इस बारे में पता चला, तो मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के कि अजमेर में गर्ल्स के साथ क्या हो रहा है। मैं रिसेंटली अभी गुजरात में जाके, तो गुजरात में ऐसा है कि महिलाएं कभी भी बाहर जा सकती, कुछ भी कर सकती है, उन्हें पूरी फ्रीडम है। तो उस तरीके की सुरक्षा अगर हमारे यहाँ हो तो महिलाओं को लेके बहुत अच्छा होगा, महिलाएं भी फ्री महसूस करेंगी बाहर निकलने से। इन्होंने गुजरात का हवाला दिया। मैं आपको बता दूं, जयपुर से जो सड़क निकलती है वो अजमेर होते हुए अहमदाबाद जाती है, यानी कि गुजरात। अब हम बात करेंगे कुछ युवाओं से और जानेंगे कि रोजगार उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है और उनका क्या कहना है। क्या करते हैं आप? अभी मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है, क्या किया आपने? सर अभी मैंने ग्रेजुएशन किए बीए के अंदर और मैं प्रेशर कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो रोजगार आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है? सर बहुत बड़ा मुद्दा है सर। क्यों? क्योंकि सर आगे जाके अगर हम काम नहीं करेंगे करेंगे क्या आगे जाके? हमने इतनी पढ़ाई करी है, किसके लिए करी है सर? कभी नहीं उसको, अगर वो हमारे काम ही नहीं आई हर पढ़ाई, सर वो मतलब क्या उसका सर? जो सरकार, जो भी सरकार आप चुनेंगे उससे रोजगार को लेकर आपकी क्या अपेक्षा है? रोजगार को लेकर युवाओं की हमेशा से सरकारों से अपेक्षा रही है, और वर्तमान में भी रोजगार एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसका निवारण फिलहाल तक कोई भी सरकार पूर्ण रूप से नहीं दे पाई है। रोजगार केवल सरकारी क्षेत्रों में मिलना ये हमारा उद्देश्य नहीं है युवाओं का, परंतु
हमें महाविद्यालयों के अंदर प्लेसमेंट सेल बना के स्किल डेवलपमेंट करके हमें कुछ नई नई तकनीकों से लेस किया जाए ताकि हम अपने आप को भी बड़े बड़े टीयर वन टीयर टू सिटी के बराबर स्टैंड कर सके। परंतु शिक्षा केवल एक रटने का और परीक्षा में पास होने तक का ही माध्यम बन गया है। इसलिए बेसिकली हमारी शिक्षा नीति के अंदर ये समस्या मैं समझता हूँ जी। मैं कुछ और यंगस्टर्स के पास जाऊँगा जो स्टूडेंट है, ये बताइए कि अगर हम कॉलेज एजुकेशन की हम बात करते हैं तो किस लेवल का कॉलेज एजुकेशन यूनिवर्सिटी किस लेवल की राजस्थान में है? देखिए, राजस्थान में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्पेशली जो स्कूल्स हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उन्हें हम कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे ये यूपी की जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली की हो गई, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे में डिफरेंस है। जैसे आपका स्टैंड राजस्थान में स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी कोई नाम ही नहीं है। देखिए, सच बताऊं तो नहीं है, वैसे हमारे है, बट उनके साथ कंपेयर, अब देखिए जैसे एक युवा है, उसे अच्छी एजुकेशन, अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो रोज़गार भी मिलेगा। कॉलेज पे डिग्री लगती है, कौन से कॉलेज से पास हो अच्छी नौकरी मिलती है, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे राजस्थान में। इन्होंने ऐसा ही मुद्दा उठाया कि अगर हम कंपेयर करते हैं राजस्थान के कॉलेज और यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, तो आज भी राजस्थान के अंदर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो दिल्ली या यूपी की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका मुकाबला कर सके, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। मैं वापस महिला पत्रकार के पास जाऊंगा। इन्होंने कहा कि हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो, अगर आप अजमेर की बात करें, एजुकेशन हब माना जाता है अजमेर, यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जो नामी स्कूल हैं जिसमें बाहर से भी लोग पढ़ने आते हैं और बहुत नाम है उनका, लेकिन उसके बाद जब कॉलेज लेवल पर आते हैं तो अगर आप यहाँ मेयू में पढ़े उसके बाद आप जाएंगे तो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज के अंदर जाएंगे, तो इतने सालों में क्यों हमारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल डेवलप नहीं हो पाया? हम लोगों के युवाओं का यहाँ पर एक माइंडसेट है कि पढ़ने के लिए बाहर ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ वो फैसिलिटीज और वो स्कोप उनको अजमेर में नजर नहीं आता है। जैसे हम पत्रकारिता की ही बात करें तो पत्रकारिता के लिए हमारे पास राजस्थान में ही कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अब लोगों युवाओं का जो आजकल ध्यान है वो पत्रकारिता की तरफ भी है, तो आज राजस्थान में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे हम जर्नलिज्म के लिए कोई ऐसा नाम ही वो हो जो हम पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर किसी न्यूज चैनल या उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये तो एक पत्रकारिता का क्षेत्र हुआ। दूसरे क्षेत्र जो है उसमें भी फिक्स है कि कोटा में वो कोचिंग लेगा लेकिन पढ़ने के लिए, सर्विस के लिए उसे बाहर जाना होगा। ये माइंड सेट है कि मैंगलोर जाना है या फिर कहीं, और राजस्थान में ऐसा कोई कॉलेज है ही नहीं। एक टाइम था जब सोफिया कॉलेज अजमेर में माना जाता था, लेकिन आजकल गर्ल्स के लिए भी वो सोफिया कॉलेज भी वहाँ वो फैसिलिटीज, और सबसे बड़ी बात है मेयो में जो हाई क्लास है वही पहुँच सकता है, लेकिन आम जनता या हम मिडिल क्लास के लिए कहें, मिडिल क्लास के बच्चे वो कहाँ जाएंगे, तो इसलिए उनको राजस्थान से बाहर ही जाना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने वो यहाँ पे ऐसे कॉलेजेस एस्टेब्लिश करे जो आम जन की रीच में हो और उनकी उसमें कैपेसिटी में आता हो। शिखर ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और बहुत गंभीर मुद्दा उठाया, क्योंकि कोटा के जो कॉलेजेस है या कोई जो क्या यहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस ली जाती है उनके बड़े नाम है और उनके सेंटर्स दिल्ली और बॉम्बे तक में चले गए, यहाँ से कोटा से निकल के कोचिंग क्लासेस बाहर चली गई हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का लेवल अभी भी बिलो एवरेज है। खेलों में क्या स्टैंडर्ड है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान जो है वो वीरों की भूमि जाना जाता है, दमखम रखते हैं यहाँ के युवा, लेकिन खेलों में जब हम बात करते हैं तो कितने सक्षम है राजस्थान के युवा, क्या स्टैंडर्ड है खेलों का? मेरे साथ है एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर है, वो ये बताइए कि अगर हम अपने स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो किस लेवल पर पाते हैं आप राजस्थान को? देखिए, पहले राजस्थान बहुत कुछ स्पोर्ट्स का हब हुआ करता था, जब गोपाल सैनी और कई ऐसे एथलीट थे जो एशिया में गोल्ड मेडल लाते थे, 1982 में उन्होंने मेडल भी जीता, राजेंद्र शर्मा 800 मीटर के अंदर लेके आए थे। कबड्डी के अंदर अभी फिलहाल अपना राजस्थान का स्टैंडर्ड अच्छा है, बास्केटबॉल का बहुत अच्छा है, वॉलीबॉल में रामावतार जाखड़ अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन राजस्थान की पॉलिसीज अभी, खेल पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है, अपॉइंटमेंट बच्चों के होते नहीं है, इस वजह से बच्चे दूसरी जगह चले जाते हैं। और जहाँ तक आप अपने अजमेर की मैं बात करना चाहूँगा, अजमेर राजस्थान का
हार्ट हुआ करता था और एक जमाना था तब टेबल टेनिस और एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर इंडिया का यहाँ होता था, वो आज यहाँ से जा चुका है। और एथलेटिक्स में जो ट्रैक बनना था वो पिछले मार्च से स्मार्ट सिटी के नाम से आज तक नहीं बन पाया है। मैं एज ए फुटबॉल कोच बोलता हूँ, पिछले साल 22 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ बंद हुआ, अभी तक स्मार्ट सिटी का काम कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो ग्रास रूट लेवल पे जहाँ तक देखा जाए तो स्पोर्ट्स में गरीब बच्चों और मिडिल क्लास बच्चों को यहाँ अजमेर में कोई सुविधा नहीं है, जो बहुत सख्त जरूरत है। यही वजह कि स्पोर्ट्स अजमेर का निरंतर नीचे जा रहा है और यही समस्या मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान का खेल स्तर नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। मेरे साथ है एक वरिष्ठ नागरिक अजमेर से, क्या शुभ नाम है आपका, क्या करते हैं आप? प्रोफेसर मधुमोहन रंगा। ये प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर साहब यहाँ पर स्टूडेंट्स ने एक बात बताई कि ना तो एजुकेशन का लेवल हमारा अच्छा है, स्कूल एजुकेशन का हब माना जाता है अजमेर, अच्छे अच्छे स्कूल्स थे यहाँ पर, और अगर हम कोचिंग क्लासेस की बात करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तो वो बन गया है कोटा। बावजूद इसके हमारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का लेवल वो नहीं है जो दिल्ली का है या यूपी का है, और स्पोर्ट्स की इन्होंने बात करी उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अजमेर जो है वो पिछड़ता चला जा रहा है और राजस्थान ओवरऑल जो है पीछे रह गया है? देखिए, सबसे पहले तो सरकारें पॉलिसी बनाती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये सब बनती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी बन जाती है पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से आज भी नहीं है। क्या कारण है कि एक शिक्षक जो है, शिक्षक के न जाने कितने शब्द है, अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षक, न जाने कितने पर्यायवाची शब्द है। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड टाइम पर रिक्रूटमेंट, और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है जो परिसर है, परिसर में भी आज टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग है, न जाने कितने ऐप है, न जाने कितनी सुविधाएं। तो ये सारा खतरा हाईटेक जब तक ये नहीं होगा ना, और इसको हम रोजगार से नहीं जोड़ें, शिक्षा को कभी रोजगार से नहीं जोड़ें, शिक्षा साक्षरता का माध्यम है, रोजगार का एक माध्यम हो सकता है। अब जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर है, हम जॉब क्रिएटर बने न कि जॉब सीकर। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, और हर व्यक्ति क्यों चाहता है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने, नए बहुत सारे दूसरे रोजगार भी है। तो सबसे बड़ी बात है एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड रिक्रूटमेंट, और थर्ड जो है जो ग्लोबल सिनेरियो हम देखते हैं आज, ये जो इकोनॉमी वो अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो इन सब का समावेश जो है ना। और जब तक हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिले, साक्षरता और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल अजमेर के अंदर कुकुट पालन होता है, अजमेर के अंदर पुष्कर के अंदर ये गुलाब की खेती होती है, पुष्कर में ही लगता है वो पशु मेला, हाँ पुष्कर में। तो अब ये जो स्किल है, मैं आज भी बता सकूँ, गांव में बहुत ऐसे लोग जो बता सकते हैं वहाँ पानी मिल जाएगा, मीठा पानी मिल जाएगा। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इस ट्रेडिशनल नॉलेज को हम एडवांस वाली नॉलेज से जोड़ें, तो मुझे लगता है कि जो, और ये जो एक होड़ चल रही है ना कि हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चा इंजीनियर बने, सबसे ज़्यादा शिक्षा को तो ये परेशान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये इम्पोर्टेंट है, रिक्रूटमेंट इम्पोर्टेंट है। अब देखो, आप प्रोफेसर साहब की बात से कितना एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री हूं, और मैं ये कहता हूं कि हमारी स्किल, हमारे अजमेर के लोग सबसे पहले अजमेर में ही रहे, बाहर नहीं जाए, क्योंकि एक सबसे बड़ी आज युवा के लिए एक समस्या होती है कि वो टेंथ और ट्वेल्थ करने के बाद में ये सोचता है कि मैं कौन से शहर और कौन से सिटी में मैं जाऊँ, जहाँ से मैं अपनी पीजी और बीटेक करके एमटेक जाऊँ। तो ऐसी, जैसे मैम ने बताया कि अपने पूना या बेंगलोर, हमें दिल्ली बाहर जाना पड़ता है, तो इस किसी RSIS की हमें तैयारी करनी है तो दिल्ली जाना पड़ता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट यहाँ डेवलप हो, जैसे किसी एजुकेशन के लिए कोटा जाना पड़ता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूट यहाँ डेवलप हो एजुकेशन के हिसाब से। और स्किल के लिए हमारे यहाँ अजमेर पुष्कर एक धार्मिक और एक टूरिज्म पर्यटन स्थल है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, जहाँ हमारा यहाँ सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन आज पर्यटन को और टूरिज्म की दृष्टि से आप अजमेर के और पुष्कर के धार्मिक पर्यटन स्थलों को आप देख सकते हो कि वहाँ मूलभूत सुविधाएं कैसी है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो टूरिस्ट आता है वो एक दिन ही रुकता है। और यदि यहाँ के टूरिज्म पर्यटन स्थलों को डेवलप किया जाए और प्रचार प्रसार किया जाए तो यहाँ टूरिस्ट कम से कम 3 दिन रुक सकता है। अजमेर ख्वाजा की नगरी के नाम से जाना चाहता है, और अजमेर से लगता हुआ है पुष्कर, जो ब्रह्मा जी की नगरी है और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। हम आखिर में जाते जाते सवाल करेंगे एक यंगस्टर से कि राजस्थान के अंदर जब हम बात करते हैं, अजमेर की जब बात करते हैं, तो ये टूरिस्ट सिटी भी है, ये रिलीजियस सिटी भी है, क्या उस हिसाब से हमारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है?
सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको काफी सारी समस्या होती है। एक तो साफ सफाई की समस्या होती है और जो एरिया टूरिस्ट मेनली जाते हैं दरगाह एरिया वो काफी कंजेस्टेड है, तो उसका जो साफ सफाई होनी चाहिए वो फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए ताकि टूरिस्ट जो है वहां पर आराम से रह सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमको इको टूरिज्म की बात करनी चाहिए जिसमें इको टूरिज्म में ये होता है कि हमें ना किसी भी जीव जाति सस्टेनेबिलिटी के साथ चीजें करें ताकि ना हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जहाँ पर टूरिस्ट और अट्रैक्ट हो, अच्छे अच्छे लोग आए और अजमेर का जो डेवलपमेंट है वो और बढ़े, इकोनॉमी और बढ़े। जब तक हम है ना ये सुख सुविधाएं टूरिस्ट को नहीं देंगे वो अट्रैक्ट कैसे होंगे। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तो ये प्रोजेक्ट कब से चल रहा है, ये इतना डिलेड क्यों है? अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाएं, इको फ्रेंडली सिटी बनाएं, सस्टेनेबिलिटी पे काम करें, युवाओं को जोड़ के काम करें तो हम लोग आगे जाएंगे और बहुत उद्धार होगा अजमेर। तो ये सारे मुद्दे हैं अजमेर के, अजमेर जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है, अजमेर ख्वाजा की नगरी, अजमेर ब्रह्मा की नगरी और अजमेर के ये लोग जो एक फहरिस्त लेके बैठे हैं क्या क्या अजमेर में नहीं है और क्या क्या अजमेर में किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि जो भी इस चुनावी दंगल में कूद रहे हैं वो इस बात को खास तौर से अजमेर के लिए जो उम्मीदवार हैं वो सुनेंगे और आने वाली सरकार इस पर ध्यान देगी। फिलहाल मुझे और मेरी कैमरा टीम शुभम और मुकेश को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।